मन झूम झूम तन झूम झूम, मन झूम झूम तन झूम झूम, मन झूम झूम गाए, मन झूम झूम तन झूम झूम, मन झूम झूम गाए। कहाँ रह गया है भाई? वो गया है ना सजाद देखने, आता होगा उसके साथ ही। हाँ बैठा होगा अपने आवारा लुच्चे दोस्तों के साथ, कुछ खेल रहा होगा। आगे आ जाओ बेटा, आ जाओ आ जाओ। कहाँ थे बेटा? अबा जी मैं यहीं था दोस्तों के पास। अच्छा वो कुछ नहीं, वो तुम्हारा आज आखिरी पेपर था ना, तो उसका ही पूछना था। कैसा हुआ? अच्छा हुआ है, बहुत मेहनत करी थी। अच्छा। तो क्या यार हम लोग कोई फर्स्ट डिवीजन की उम्मीद रखे हैं या उससे भी कोई बड़ी खुशी दोगे हमें? आप फर्स्ट सेकंड का तो मुझे नहीं पता, मेहनत बहुत ज्यादा किया, बाकी अल्लाह के हाथ में। ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, क्या कर रहे हैं आप यार? पेपर नहीं दिया यार। अच्छा अच्छा, उसने मुझे बताया, सुपरिटेंडेंट ने बताया उसे, रमजान मिला था मुझे। अब्बा जी बस हो गया ना, चलिए बस हो सा, चलिए बैठे चलिए आए। जो भी कहते हैं आपके भले के लिए कहते हैं। अबे तुम तो बस ही कर दो यार छोटी, ताली का बैंगन हो तुम तो, जिस तरफ झुकाओ उसी तरफ लुढ़क जाती हो। अच्छा चल ना मेरा भाई, अब बस कर देना यार। देख मैंने तुझे कहा भी था मैं तैयारी करवा देता हूँ, मगर 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 क्या क्या मगर? हाँ तुम लोगों के तो नंबर बढ़ गए ना अब्बा के सामने, जाओ जाके इनाम वसूल करो।
क्या हुआ है? लो आ गई एक और। आप इसे समझाते क्यों नहीं कि ये सब छोड़ दे? तुम चाहती क्या हो और ये तुम्हारे अब्बा क्या चाहते हैं? ये सारा फसाद उन्हीं का खड़ा किया हुआ है, मुखबरी किया उन्होंने मेरे अब्बा को। फसाद कराते हो तुम लोग। क्या हो गया यार, उसका कसूर थोड़ी ना, उस पे क्यों भड़क रहे तू? हाँ यार तुम सब तो मासूम हो, कसूर मेरा है। अच्छा चल, हाँ मेरा भाई ऐसे नहीं कहते, चल बस एक दिन चला जाऊंगा ना, जहाँ से मैं कभी वापस ही ना हो ढूंढते यार। बात तो सुन लेना यार, वालेकुम सलाम। तुम लोग आज कुछ ज्यादा जल्दी नहीं जा रहे? जी अब्बा जी, वो फरी को एक्चुअली कॉलेज ड्रॉप करना है, उसके बाद फिर जाऊंगा कमीशन के दफ्तर। और वो लाडला कहाँ है, पड़ा सो रहा होगा अभी तक? फरी उठा के लाओ उसे। जी अब्बा। मजीद ना कुछ कहना उसको, रात भी खाना खाए बगैर ही सो गया था। खाना खाए बगैर सो गया था? दुश्मन नहीं हूं मैं उसका, और उसकी भलाई के लिए बात करता हूं। वो हमीद साहब से मुलाकात हुई थी सुबह नमाज के वक्त, वो काम करते हैं ना मुंशीगिरी का, वो सेठ निसार के, बता रहे थे कि उनके घर में कोई प्रोग्राम है तो उन्हें कोई किसी बंदे की ज़रूरत है इंतजामात के लिए। बल्कि वो तो ये भी कह रहे थे कि अगर बेहतर काम करेगा तो नौकरी पक्की भी हो सकती है। अच्छा इतनी जल्दी क्या है, कर लेगा काम? वैसे भी आप तो उसके पीछे ही पड़े हैं। घर के हजार खर्चे हैं ना सरा, सज्जाद को मुकाबले के इम्तिहान में बिठाना है, उसको एकेडमी की जरूरत है, फरी की तालीम के अखराजात अलग हैं, और फिर ये घर की जिम्मेदारियां मैं अकेला नहीं उठा सकता। और मुझे भी तो किसी के कंधे के सहारे की जरूरत हो सकती है नहीं? और फिर तुम्हारे लाडले ने कल को मुंशीगिरी करनी है या क्लर्की करनी है या मजदूरी करनी है, तो फिर आज से क्यों नहीं भाई? अच्छा है किसी बड़े आदमी की खिदमत करेगा तो हो सकता है सिला भी बड़ा पाले। बुलाया था आपने? तुम्हारी नौकरी की सिफारिश करवाई है मैंने। इस पते पे चले जाना, सेठ निसार है, उनसे मिल लेना, कहना हमीद साहब ने भेजा, बाकी का काम वो खुद ही समझा देंगे। और हुलिया दुरुस्त करके जाना, ये बड़े लोग इस तरह की चीजों का बहुत ख्याल रखते हैं। जी। जाओ। एंगल पे ना ले, बस ड्राइवर उनको पिक कर लेगा। हाँ मैं तो अच्छी लग रही हूँ। हाँ तुम ही अच्छी लग रही हो, वो आज आएगा ना? जी जी तो मैं देखती। नहीं नहीं मैं खुद चला जाता एयरपोर्ट पे, लेकिन काम ही इतने हैं कि एक मिनट भी सर खुजाने की फुर्सत नहीं है। मैंने मुंशी से कहा भी था कि आर्जी तौर पर मैनेजर मुझे रखवा दें, ये सारे काम मुझसे नहीं होते। आप फिक्र ना करें, अब वो हमारे मेहमान हैं। ओके अल्लाह हाफिज। अब्बू को याद है क्या?
हाँ भाई, वो हमारा एक दोस्त है, उसका बेटा और उसकी फैमिली कनाडा से आ रहे हैं। जाना तो उन्होंने कराची है, लेकिन शायद एक दिन यहाँ पर रुकेंगे। देखो मैं ज़रा फर्नीचर वाले के पास जा रहा हूँ, अगर मेरे पीछे आ जाए तो उन्हें बड़े अच्छे तमीज से उनको रिसीव करना। अरे अंकल, आपके मेहमान मेरे मेहमान, ऐसी मेहमान नवाजी करूंगी ना उनकी कि कनाडा जाकर भी नहीं भूलेंगे। वाह भाई, तो इसका मतलब है कि मैं बिल्कुल फिक्र ना करूं? बिल्कुल भी नहीं। ओके, मैं जा रहा हूं। ओके बाय, अल्लाह हाफिज। दिखाओ बाकी की, मैं क्यों दिखाऊं यार, तुम्हारी भी जो दुनिया है तो मेरी गलती नहीं है। आई एम सॉरी, मैं ये सारी डिलीट करूंगी। और अगर तुम्हें इतना मसला है तो अपना नया फोटोग्राफर ले आओ, मैंने रेकमेंड किया था। यार फिर एक बात तो बताओ मुझे। हाँ, तो अपने माँ बाप का सगा बेटा ही है ना? क्या बकवास कर रहे तू? सच्ची तो कह रहा हूँ, इतना जुल्म तो उसके लिए माँ बाप भी नहीं करते हैं, और अभी तक हमारी बीए की डिग्री भी कंप्लीट नहीं हुई है। ये तो सिर्फ रमजान चाचा की मुकरबी की वजह से इतनी सख्ती हुई है और तुझे नौकरी पर लगवा दी है। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, तुम लोगों के साथ भी ऐसे ही कुछ होगा। बल्कि मैं तो कहता हूँ अभी से कोई दुबई शुबई में कोई चांस ढूंढो, वरना यहाँ पे मजदूरी ही करनी पड़ेगी। एड्रेस तो यही दिया था। तुझे बताओ ना, तुम था ये 111 112 113 यही है। क्या घर है यार, भाई को भी अंदर लेके जाना यार। तुझे अंदर ले जाऊंगा, वो मेरे चचे का घर है, मुझे तो अंदर जाने दे पहले। सब जानता हूँ मैं, अब बड़ा आदमी बन गया, बड़े घर में काम करता है, तुझे मैं कहाँ याद रहूँगा। ओ यार तू पहले मुझे अंदर जाने दे, कोई काम मिला कोई चांस बना तो बुला लूँ मैं तुझे। पक्का? हाँ पक्का। चलो ठीक है। अच्छा सुन सुन सुन, हाँ
अस्सलाम वालेकुम, पहुँच गए आप। वालेकुम सलाम जी, मैं निसार साहब से। जी जी, अंकल ने मुझे बताया था। आप अकेले आए हैं, फैमिली नहीं आई आपके साथ? क्या उन्हें भी लाना था? फिलहाल तो अकेला ही आया हूँ। वैसे अगर काम ज़्यादा है तो मैं उन्हें बुलवा लूँगा। अच्छा, अंकल अभी किसी काम से गए हैं, आप तब तक फ्रेश हो जाएं, मैं कमरा दिखा देती हूँ आपको। मेरा कमरा? जी, इसे अपना ही घर समझिए। आइए। ये आपका रूम है, आप ठंडा चाय कॉफ़ी कुछ कोई मसला नहीं है, मैं चाय भिजवाती हूँ आपके लिए, आप तब तक फ्रेश हो जाएं, और अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो वो बेल है, आप बस उसे बजा दीजिएगा। रात के खाने के लिए आप जो भी खाना चाहें बस मेन्यू में नोट डाउन करा दीजिएगा, मैं शेफ़ को आपके पास भेज दी। मेरी बात सुनें प्लीज़, आप ये सब तकल्लुफ नहीं करें, मैं यहाँ पे सिर्फ निसार साहब से मिलने आया हूं, उनकी बेटी। आप पहली बार हमारे घर आए, मेहमान हैं आप हमारे, आप फ्रेश हो जाएं, तब तक निसार अंकल भी आ जाएंगे, मैं आपके लिए चाय भिजवाती हूँ। मेरा कमरा, मैं भाई अरफी दी, ये लोग तो बड़े अच्छे लोग हैं, ऐसी घबरा रहे थे तू? मेरे लोग इतने बुरे भी नहीं होते जितना हम समझते हैं। वो ये बाथरूम है या महल? बने भी बड़े देख के नौकरी लिया मेरे लिए। चल भाई फीदी, एक गर्म शावर तो बनता है। माही, सुनो। जी अंकल, आपके मेहमान आ गए हैं ना, वो बैठे हैं। तुम ऐसा करो कि तुम गेस्ट रूम खुलवा दो और उनके बेहतरीन खाने पीने का बंदोबस्त करो, कोई कमी पेशी नहीं होनी चाहिए। ये आपके कनाडा वाले मेहमान हैं? हाँ, यही तो आए सारे मेहमान। अंकल मुझे दो मिनट दे बस। अंकल सॉरी, मैं आई। माही, जीप लड़की है, पता नहीं कहाँ चली गई। वो निसार साहब, मुझे याद आया, आपने गुलाम दीन को फोन कर दिया था, केटरिंग वालों को करना है, उससे पूछ लो। चाय बहुत अच्छी है, लेकिन आपने शेफ का बोला था, वो मेन्यू पूछना है या नहीं? कप नीचे रखो। हा? मैं कह रही हूँ कप रखो और खड़े हो। कौन हो तुम? मैं फरहाद। ओह हाय फरहाद, क्या कर रहे हैं आप यहाँ? खाने का इंतजार कर रहा हूँ। कौन से खाने का इंतजार, क्या मतलब? हाँ? अरे क्या हो गया आपको, अभी आप ही लेकर आई है ना मुझे इस रूम में सेटल करने, क्या भूल गई हैं क्या? निकलो यहाँ से, निकलो। क्या मतलब है? मेरा मतलब है कि एक मिनट के अंदर अंदर यहाँ से बाहर निकलो, या अगर नहीं जाया जा रहा तो गार्ड्स बुलवाऊं। अरे 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 अरे, क्या सब ठीक तो है? अजीब लोग हैं इस घर के, एक सेकंड में सर पे बिठा लो, एक सेकंड में गार्ड्स बुला लो। चलो चलो बस, निकलो यहाँ से, और हमारे असली मेहमान ना आ चुके हैं। कहां कहां से आ जाते हैं? ये बात सुनो, तुम्हारे दिमाग का कोई प्रॉब्लम है, चेक कराओ। आई सेड आउट। चलो
बता रहा था कि मैंने क्या कर दिया अपने दोस्त के घर। माही यार कहाँ रह गई थी? यार आई एम रियली सॉरी, पहले से ही मैं तुम्हें बता रही हूँ, अंकल के कनाडा वाले मेहमान आने थे ना, उनके चक्कर में मैंने किसी और लड़के को घर में घुसा लिया था। क्या, कहाँ है वो? सुखे, किसी को खबर होने से पहले ही मैंने उसे निकाल दिया वक्त पर। लेकिन यार बड़ा फ्रॉडिया था, इतना घुन्ना था, मैं जब उसे निकालने के लिए गई हूँ आराम से चाय पी रहा था गेस्ट रूम में। तुम भी ना एक ही पीस हो वैसे। तुमने मेहंदी पूरी क्यों नहीं लगवाई? यार मेरे से नहीं और बैठा जा रहा, मैं अकड़ गई हूँ बिल्कुल। ओके ना, थोड़ी सी देर रहा, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, मैं भी लगवाऊंगी। नहीं तुम बहुत जल्दी धो रही हो, रंग नहीं आएगा। आ तो गया है रंग यार, आ तकड़ गए हैं मेरे, मेरे से नहीं बैठा जा रहा मेहंदी के साथ। माही बीबी आपको बड़े साहब बुला रहे हैं। कहाँ है वो? जी वो बाहर लॉन में है। ठीक है तुम जाओ, मैं आ रही हूँ। चलिए थोड़ी सी तो रहने दो। थोड़ी नहीं रही यार ये। सब बता दिया। माही ये फरहाद है। जी सर, मुलाकात हो चुकी है इनसे मेरी। आपके आने से पहले काफी खिदमत की थी इन्होंने, काफी मेहमान नवाज किस्म के हैं। अंकल ये तो, हाँ हाँ मैंने इसे आज बुलवाया, रिजा की शादी के सारे इंतजाम इसको सौंप दिए, अब ये सारे इंतजाम संभालेगा। देखो भाई सच बात तो ये है कि ये सारे काम मैं अकेले नहीं संभाल सकता, और मेरे ऑफिस के भी जितने बंदे हैं ना, वो इन तकरीबात के जो लवाजमात है ना उनकी समझ से बाहर हैं। भाई तुम सारे काम फरहाद को समझा दो, फरहाद तुम सारा चार्ज संभाल लो, मैं ज़रा मेहमान आए हुए उनसे ज़रा मिल लूँ। ठीक है अंकल। इंशाल्लाह मज़ा आएगा सर। बताया क्यों नहीं कि तुम अंकल के नए मुलाजिम? कुछ बोलने का चांस दोगे तो कुछ बताऊंगा ना, तूफान मेरी की तरह बस हुक्म ही देती चली गई। ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश ना करो, तुम अगर मुलाजिम हो तो तुम्हें मुलाजिम बन के रहना चाहिए ना। इस तरह बन ठन कर किसी और की गाड़ी के साथ यूं स्टाइल मारकर खड़े हो गए तो मैं क्या, कोई भी गलतफहमी का शिकार हो सकता है। तो तुम्हें भी यही लगा कि मैं कोई अमीर ज्यादा हूँ? मुझे पता है मेरे दोस्त भी अक्सर यही कहते हैं, मतलब कुछ तो बात होगी मेरी पर्सनालिटी में। पर्सनालिटी माय फुट, तुम्हें जिस काम के लिए हायर किया गया ना वही करो। एक्सक्यूज मी, कोई काम बताओगी तो करूंगा ना, खाम खा इतना वक्त जाया कर दिया मुझसे बात करने में और चांस मारने में। बातें एक ही दफा जान मार के काम करोगे ना, बार बार छेड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बेफिकर हो जाएं फरहाद भाई, बेफिकर हो जाएं, मेरे अब्बा नहीं हुए बेफिकर, ये काम कराना चाहते थे वो मुझसे। हेलो, हम किस चीज का वेट कर रहे हैं भाई, चलें चलें एहसान करें मुझ पे यार, थैंक यू। और आपका मोबाइल मुझे लेके डूबेगा, निसार साहब मुझसे पूछेंगे कि क्या कर रहा था मैं, वो मैं लगा हुआ था। क्यों परेशान होती है, आ जाएंगे भी भाई? सुबह का निकला हुआ है, कुछ भी नहीं खाया, उसने भूखा प्यासा किया हुआ। तेरे बाजी को तो जुनून हो गया उसे मजदूरी कराने का, पर मुझे पता है ना उससे भूख नहीं कटती, मैदे का बहुत कच्चा है वो। मैदे का ही नहीं और भी बहुत सी चीजों का कच्चा है तुम्हारा लाडला, खुदा खुदा करके काम पे लगी गया है तो काम करने दो उसे, खास सोच सोच के अलकान मत हो। आपको तो खुदा वास्ते का बैर है मेरे बेटे के साथ, सुबह का भूखा निकला हुआ है, पता नहीं अभी भी कुछ खाने को मिला या नहीं। बहुत खाते पीते घर में रखवाया है उसे, तो लोग पहले उसे खिलाएंगे खुद बाद में खाएंगे, फिक्र मत करो। फिक्र मत करो, मेरा बच्चा ध्यान से आराम
से आराम से आराम। चलो भाई चलो, पीछे लॉन में खाना लगा गया है, जाके खाना खा लो। मजदूरों को कोई नहीं पूछता, फिर ये सब तो चलता रहेगा। फरहाद भाई आप भी आ जाएं, खाना खा लें। हाँ आ रहा हूँ, खा रहा हूँ। सुनो, तुम अंदर चले जाओ, लाउंज की पूरी अरेंजमेंट बदली की मेहंदी से पहले, और डाइनिंग एरिया में से डाइनिंग टेबल हटना है तो अपने साथ दो चार बंदे बुलवा लेना। ठीक है। अच्छा ध्यान से कुछ खाने दो बेचारे को यार, कहीं भूख से मरी ना जाए। अभी तुम देखो मैं इसको ऐसा मजा चखाऊंगी ना, कल इस तरफ रुख भी नहीं कर पाना। अभी इसने माही से पाला नहीं पड़ा ना। पागल हो। फिदी है सोया का अभी तक उठाने? फिदी फिदी उठ जा, जाना नहीं है। उठना उठ जा ना, टाइम तो देख। फिदी क्या हो गया, उठ क्यों नहीं रहा? हाय हाय टाइम तो देख, छोड़ जाई, 9:30 हो गए हैं। क्या 9:30 हो गए? सुहेब ने साहब आपके घर पे 9 बजे जाना था। हाँ तो नाश्ता तो कर लेना। नाश्ता मैं लाइन में कर लूंगा, रास्ते में कर लूंगा। शर्ट इस्त्री कर दो आप मेरी अभी जल्दी से। आग लग गई ऐसी नौकरी को, बच्चे को खाने पीने का होश ही नहीं है कोई। ओ भाई किसी ने फरहाद को जगाया है कि नहीं? उसे काम पर जाना होगा। चला गया सुबह सवेरे, नाश्ता भी नहीं करके गया। अब खुश है ना आप? वाकई कमाल हो गया भाई, इतना जिम्मेदार तो वो कभी भी ना था। आप तो वैसे ही खैर उसके पीछे पड़े रहते हैं, हर वक्त शिकवे गिले उससे करते रहते हैं। सच्ची बात तो ये है कि दोनों बेटों में आपने फर्क रखा हुआ है। वो तो मेरे बच्चे का दिल बड़ा है ना, उसने कभी दिल पे बात ली नहीं है और पलट के जवाब नहीं दिया, और ना आपने कोई कसर नहीं छोड़ी। अम्मी अम्मी फरहाद भाई को उठा दूं, देर नहीं हो गई उनको? एक और आ गई भाई की नींद की दुश्मन। चला गया सुबह सवेरे अपने काम पे वो, अब तू बना ले अपना जेब उसकी कमाई से। सारे पीछे पड़े रहते हर वक्त। पारा बहुत ऊंचा है तुम्हारी अम्मा का इस वक्त, बच के रहना भाई।
नहीं बाबा, मेरे न्याणियां ले दुआ कर सो ना। मैंने तो मना किया था, वो माना ही नहीं। कौन बाबा, कौन दी माना? सबको वहीं पलटना है, खेल तो कब का शुरू हो गया। कुदरत अपनी बाजी खेलेगी। साईं बाबा, मेंडे पुत्रा नहीं दुआ कर सोना, मेंडे दो भी पुत्रा दे कर बस जा सकते। बड़े पुत्र की करवाली तो चल बसी है, छोटे छोटे बाल है उसके, दो दूजा ब्याह नहीं करता, मेरी सुनदा ही नहीं। मेरा छोटा पुत्र वो तो मेरा शहजादा, मेरा लाडला है। दुआ कर सोना साईं बाबा, मेरे पुत्र नू अपनी मुराद मिल जाए। सब माया है, हम सब ने मिट्टी में मिलकर मिट्टी हो जाना है। मिट्टी तू जिद करती है तो सुन, तेरे दोनों बेटों को मिलेगा। छोटे की दिली मुराद पूरी होगी और बड़े का घर भी बस जाएगा। सच साईं, सच? मैं ते एक से एक देगा चढ़ासा मजार ते। सच, मगर याद रख, हर ख्वाहिश खिराज मांगती है। अपनी अपनी ख्वाहिशों का खिराज देना पड़ता है हम इंसानों को। इस दुनिया में अपनी अपनी चाहत का सूद भरने आते हैं, ब्याज देना पड़ता है। तू भी देगी? सर, 3 बजे केटरिंग के मैनेजर के साथ मीटिंग है, 5 बजे म्यूजिक वाले के साथ मीटिंग है, और उसके बाद जो सेटिंग अरेंजमेंट्स करने वाले उनके स्टाफ के हेड के साथ भी रबते में। सब कुछ देखने के बाद एक दफ़ा फाइनली आपको फिर रिपोर्ट करूँगा। गुड, वाकई तुम काम बहुत जल्द सीख गए हो। आफाक बता रहा था कि तुम उसके दोस्त के बेटे हो और उससे पहले ऐसा कोई काम नहीं किया। सच बताऊं, मैं तो पहले बहुत डरा हुआ था कि मेरा काम कम होने के बजाय कहीं बढ़ ना जाए, लेकिन अब मैं बिल्कुल मुतमईन हूं। थैंक यू। ये बात तो सच है, मैंने इससे पहले कभी कोई ऐसा काम नहीं किया, लेकिन मोहल्ले में आपको बताया कि शादियों की वजह से बस थोड़ा बहुत तजुर्बा है जिसकी वजह से हेल्प हो जाती है। मुझे वैसे भी पता नहीं क्यों कोई भी काम आसान लगता है सिवाय पढ़ाई के। ये मोटी मोटी बुक्स जब आसपास होती है ना, नींद आ जाती है मुझे। अब्बा भी इसी वजह से मुझसे नाराज रहते हैं। तुम बड़े काम के बेटे हो उनके लिए। जरूरी नहीं है कि डिग्री हासिल करने वाला बेटा ही बाप का नाम रोशन कर, है ना? हाँ, तुम कभी अपने अब्बा को यहाँ लेके आना, मैं उन्हें समझाऊंगा। लेके आऊंगा मैं आपके पास। अभी रंग वाले आ गए, मैं उनको देखता हूँ। ठीक है, तुम जाना। सुनो, ये पैसे रख लो, तुम्हारी तनख्वाह रख लो। थैंक यू। Oh,
जानते हो ऐसा नहीं हो सकता। तुम अगर कल नहीं आई तो मैं केक नहीं काटूंगा। और तुम मेरा बर्थडे कैसे मिस कर सकती हो? मेरे मायूं पे बैठने की तैयारियां हो चुकी है, मेरा घर से बाहर निकलना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। 3 दिन बाद मेहंदी है हमारी। देखो मैं नहीं जानता कुछ, तुम बस कल आ रही हो और मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। क्या हुआ? बहुत ही जिद्दी है यार, कहता है कि अगर तुम ना आई तो मैं बर्थडे नहीं सेलिब्रेट करूंगा। बताओ यार मैं क्या करूँ, तुम्हें पता है बाबा मुझे घर से बाहर नहीं निकलने देंगे। What do I do? कोई मसला नहीं है ना, क्यों इतना परेशान हो रही हो? ठहरो कुछ सोचते हैं, कर लेंगे कुछ। कर रहे हो यार तुम लोग? अरे बोला तो है यहाँ पे स्टेज नहीं लगेगा, स्टेज यहाँ पे लगेगा। और बात सुनो, मेहंदी का स्टेज भी यही लगेगा, ये ध्यान में रहे, फिर दोहराना तो नहीं पड़ेगा ना। बहुत शुक्रिया। तुम्हारे लिए इतनी देर से काम कर रहे हो, पी लो। ना बाबा ना, मुझे लगता है तुम्हें ना फिर से वही वाला दौरा पड़ा है। अभी तुम मुझे जूस पिलाओगी, फिर रात को खाना भी नहीं खाने दोगी। तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से क्या असर हो गया था मेरा, लेकिन आज अपनी भूख का पक्का इलाज करके आया हूँ मैं, जरूरत नहीं पड़ेगी। चले मैं बस कल गुस्से में थी थोड़ा सा, और इतनी भी जालिम नहीं हूँ अब कि तुम्हें भूखा मार दूँ। तुम्हारे गुस्से ने मेरा असर कर दिया, और वैसे भी कुछ पता नहीं है तुमने इसमें कुछ मिलाया हो। नहीं बहुत काम पड़ा है। देखो एक मजाक तुमने किया, एक मजाक मैंने कर लिया, तो हिसाब बराबर ना। सच में आई एम सॉरी, दोस्ती कर ले। दोस्ती लव्स पता है कितना बड़ा होता है, क्या मायने होते हैं, पूरे वक्त पे साथ खड़ा रहना पड़ता है। जानती हूँ दोस्ती का मतलब, लेकिन अगर तुम्हें शक है कि मैंने इस जूस में तुम्हारे लिए कुछ मिलाया है तो पहला सिप मैं ले लेती। थैंक यू फ्रेंड्स। फ्रेंड्स मन झूम झूम तन झूम झूम, मन झूम झूम तन झूम झूम मन झूम।